आज मैं आपको बताता हूँ जो कैब को लेकर पंगा कर रहे हैं लोग, जिनको पता नहीं है CAB होता क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ। मोदी सरकार ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAB यानी कैब को मंजूरी दिलाने में सफलता हासिल कर ली है। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की मंजूरी मिलते ही इस बिल को कानून की शक्ल ले ली और नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले कि इस बिल के तहत मोदी सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर पाती, असम का विरोध बड़ा उग्र हो गया, बंगाल भी इस विरोध की चपेट में आ गया और अब इस बिल के खिलाफ हो रहा विरोध दिल्ली के जामिया से होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ के नदवा कॉलेज तक जा पहुंचा है। इसमें एक खास बात यह है कि इन सभी जगहों के विरोध एक जैसे नहीं है, हर कोई अलग अलग सोच के साथ उतरा है। कोई असम के लोगों को डर है कि बाहर के लोग आकर वहां बस कर उनका हक छीन लेंगे, तो जामिया AMU और नदवा कॉलेज में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में है। यानी एक बात तो साफ है कि लोगों को नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सही से समझ में नहीं आया है, जिसकी वजह से तमाम तरह के भ्रम फैल रहे हैं। ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल है कि कैब क्या है। इसको समझना जरूरी हो गया है, इतना जरूरी हो गया है कि दंगे बढ़ते ही चले जाएंगे इस यदि कैब के बारे में उनको पता नहीं चला कि कैब है क्या चीज और NRC क्या है। आइए जानते हैं NRC की फुल फॉर्म और कैब की फुल फॉर्म। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी कि CAB कैब और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, ये तो इनकी फुल फॉर्म है। और क्या है नागरिकता संशोधन बिल, इसके बारे में मैं बताता हूँ। नागरिकता संशोधन बिल के तहत कुछ खास देशों से नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान में ढील दी गई है। आइए जानते हैं इस बिल की पूरी जानकारी। नागरिकता संशोधन बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस बिल के तहत कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के नियमों में थोड़ी ढील देने का प्रावधान है। इन अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता उसी सूरत में मिलेगी अगर इन तीनों देशों में से किसी अल्पसंख्यक या धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहे हों। अगर आधार धार्मिक नहीं है तो वह इस नागरिकता कानून के दायरे में नहीं आएगा। मुस्लिम धर्म के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि इन तीनों ही देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि बहुलता में है। मुस्लिमों को इसमें शामिल ना करने के पीछे मोदी सरकार का ये तर्क है कि इन तीनों ही देशों में मुस्लिमों की बहुलता के चलते वहां धार्मिक आधार पर किसी मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं हो सकता। इस बिल के तहत किसी अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता दे पाने के लिए कम से कम 6 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है। पुराना कानून 1955 में जो आया था उसके तहत कम से कम 11 साल था, जो अभी घटा के 6 साल कर दिया गया। नागरिकता संशोधन कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या है? जिस तरह अभी पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग गुमराह होकर विरोध कर रहे हैं, वैसे ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू होने के दौरान भी हो रहा था। विरोध में अधिकतर लोग दूसरों की बातों पर भरोसा करके हाथों में झंडे और कई बार पत्थर तक उठा ले रहे थे। आइए एक बार फिर से समझे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC क्या है, जिसे CAB से जोड़ते हुए विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। NRC से यह पता चलता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। जो इसमें शामिल नहीं है और देश में रह रहे हैं उन्हें अवैध नागरिक माना जाता है।
असम NRC के तहत उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाता है जो 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। जो लोग इसके बाद से असम में रह रहे हैं या फिर जिनके पास 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रहने के सबूत नहीं है, उन्हें NRC लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। NRC लागू करने का मुख्य उद्देश्य ही यही है, अवैध नागरिकों की पहचान करके या तो उन्हें वापस भेजा जाए या फिर उन्हें मुमकिन हो उन्हें भारत की नागरिकता देकर वैध बनाया जाए। NRC की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 71 के दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में घुस गए थे। ये लोग अधिकतर असम पश्चिम बंगाल में घुसे थे। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करके उन्हें बाहर निकाला जाए। नागरिकता संशोधन बिल वर्सेज नेशनल रजिस्टर सिटीजन कैब वर्सेज NRC। नागरिकता संशोधन बिल के सामने आने के बाद से तरह तरह की बहस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि NRC का उल्टा है, तो ममता बनर्जी जैसे लोग कह रहे हैं इन्हें इसे लाया ही इसलिए गया है कि NRC को लागू करना आसान हो जाए। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और किस बात को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून में एक विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि NRC का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत में ही रह रहे हैं। CAB के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता देने के नियमों में ढील दी गई है, जबकि NRC के तहत 25 मार्च 1971 से पहले से भारत में रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। कैब के नाम पर NRC का विरोध। भले ही लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं लेकिन असल में यह विरोध कर रहे हैं NRC का, बल्कि यूं कहिए कि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि ये सरकार मुस्लिमों की नागरिकता छीनना चाहती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार NRC से बाहर हुए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दे देगी, जबकि उसमें शामिल मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देगी, जिसका भ्रम फैला हुआ है। लोगों को पता नहीं है कि मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया। इसका मेन कारण यह है कि वो मुस्लिम देश है, उसमें मुस्लिमों को नहीं सताया जाता है, इसलिए हिंदुओं को, सिख, ईसाई, इनको लेने के लिए कानून बना है जो गलत नहीं है, जिसका सब समर्थन करते हैं। कांग्रेस को इसका उल्टी देन समझ रखी है और बकवास से बचे, अपना ध्यान रखे और बिल तो लागू होगा ही होगा भाई। मोदी ने कह दिया लागू हो गया, अब हम हल्ला करें, आप हल्ला करें, अमित शाह ने लागू करवा दिया तो हो गया, पंगे में क्यों पड़ते हो। धन्यवाद।